नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल चैनल HS News। इस पे मैं रोजाना लेके आता हूं सिर्फ आपके लिए गुड लक राशिफल, जिससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो और आपके जीवन में खूब तरक्की। लेकिन मित्रों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए ज़रूरी है आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें यूं ही अपना प्यार देते रहें। आज का पंचांग विक्रमी संवत 2076, आज का दिन शनिवार का है। आज के दिन का सूर्योदय 6:58 पे होगा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष, आज की तिथि चतुर्दशी है जो शाम 7:02 तक है, इसके बाद अमावस्या तिथि का मान है। आज का नक्षत्र श्रवण है जो दोपहर 11:20 तक है, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का मान है। आज का अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:12 से प्रारंभ होकर के 12:57 तक है। आज के दिन का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:27 से प्रारंभ होकर के 3:32 तक है। आज के दिन का राहु काल सुबह 9:46 से प्रारंभ होकर के 11:11 तक है। आज के दिन का दिशाशूल पूर्व की ओर है। यदि आवश्यक यात्रा आपको दिशाशूल में संपन्न करना है तो दर्पण देख करके यात्रा कर सकते हैं, दिशाशूल का परिहार। आज का त्योहार आज सर्वार्थ सिद्ध योग है, बस आज के दिन यही त्योहार। अब बात करते हैं मेष से लेके मीन तक के राशि फल की। मेष राशि, आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है। व्यापारियों के लिए अनेक लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। कार्य स्थिति में सुधार होने के बेहतर योग बने हुए हैं, परंतु आज के दिन क्या करना चाहिए। आज के दिन अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका पैर छुएं, आशीर्वाद लें, फिर दिन की शुरुआत करके देखिएगा। आपके परिवार के लोगों के आशीर्वाद के कारण आपके सारे कार्य बनेंगे, सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। आज के दिन का शुभ अंक 9, आज के दिन का शुभ रंग लाल। वृषभ राशि, आज के दिन आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेते हैं तो आने वाले समय में उसका लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। आर्थिक स्थितियों में सुधार होने के अच्छे संकेत बने हुए हैं। व्यापारियों के लिए कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज का दिन उत्तम साबित हो सकता है, तो आज के दिन क्या करना चाहिए। अपने घर के देवी देवताओं का स्मरण करते हुए पास वाले किसी नजदीक मंदिर में जाके भगवान का पैर छू के आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करके देखिएगा। आज के दिन के सारे विघ्न भगवान की कृपा से दूर होकर के आपके जीवन में सुंदरता आएगी, आर्थिक उन्नति के द्वार खुलेंगे। आज के दिन का शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। मिथुन राशि, आज थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं। हो सकता है अनेक कार्यों में विघ्न बाधाएं आए, परंतु अनावश्यक वाद विवाद से आज के दिन बचने की आवश्यकता है। परंतु वाहन चलाते समय आज के दिन विशेष सावधानी बरतें, साथ ही साथ अपनी भाषा पर संतुलन बनाए रखें, समस्याओं का सामना करना सीखें और उससे निकल करके अपने कार्यों को अच्छे और बेहतर ढंग से करें। क्या करना चाहिए आज के दिन? आज के दिन आप भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए महामृत्युंजयाय नमः इस महामंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। कर्क राशि, आज का दिन थोड़ा रोमानी साबित हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। व्यापारियों के लिए कोई नया साझेदार व्यापार में उन्नति का कारक बन सकता है। ससुराल पक्ष से कुछ आज के दिन आपको सहायता भी मिल सकती है, परंतु आज के दिन क्या करना चाहिए। आज के दिन स्त्रियों का सम्मान जरूर करें, साथ ही साथ माता दुर्गा का स्मरण करते हुए दुर्गा देव्यै नमः इस महामंत्र का 7 पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखिए, दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद। सिंह राशि, आज के दिन आपका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रह सकता है। अपने छुपे हुए शत्रुओं से विशेष सावधानी बरतें, जहां तक संभव हो सके किसी से धन उधार न लें। अनावश्यक क्रोध से आपको आज के दिन बचने की आवश्यकता है, तो आज के दिन क्या करना चाहिए। आज के दिन भगवान काल भैरव का स्मरण करते हुए काल भैरवाय नमः इस महामंत्र का 11 पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखें। आज के दिन के सारे विघ्न भगवान काल भैरव दूर कर देंगे, आज का दिन आपका सुंदर निकलेगा। आज के दिन का शुभ अंक 1, शुभ रंग सुर्ख लाल। कन्या राशि, आज का दिन किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए विशेष दिन साबित हो सकता है।
प्रेमी युगलों के लिए तो आज का दिन सौभाग्यतादायक रह सकता है। व्यापारी लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, परंतु आज के दिन स्वयं को ऊर्जावान महसूस करने की आवश्यकता है। आलस्य का त्याग करके अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दें। आज के दिन क्या करें जिससे कि आलस्य दूर रहे। आज के दिन भगवान गणपति का स्मरण करते हुए विघ्न विनाशिनी नमः इस महामंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखें, दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। तुला राशि। आज के दिन आपको अपनी माता का विशेष सहयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए आज के दिन सोच रहे हैं तो आज का दिन अति उत्तम है। आज के दिन आप कहीं घूमने टहलने भी निकल सकते हैं। तो आज के दिन क्या करें जिससे सब सुंदर ही सुंदर हो और आपके जीवन में धन लाभ के रास्ते खुल जाएं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का 11 बार पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखिएगा, दिन शुभ होगा। निश्चित रूप से भगवान शिव कल्याणकारी हैं। आज का दिन आपका निश्चित रूप से शुभ करेंगे। आज के दिन का शुभ अंक 3, शुभ रंग रेशमी सफेद। वृश्चिक राशि। आज के दिन आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष परिश्रम करना पड़ सकता है, जिसमें आपके पड़ोसी, मित्रगण, भाई बहन, बंधु आपकी सहायता भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनावश्यक बाहरी चीजों से मतलब बाहरी भोजन करने से बचें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। क्या करना चाहिए आज के दिन? आज के दिन हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए अंजनी पुत्राय नमः इस महामंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखें, दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला। धनु राशि। आज का दिन आपके लिए विशेष शुभ है। अनेक स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। वाणी के द्वारा आज के दिन आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों को आसान बना सकते हैं। वाहन आदि चलाते समय थोड़ा आज के दिन विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक विशेष आवश्यकता है, अनावश्यक वाद विवाद से बचे रहें, अन्यथा कार्य उल्टे पड़ सकते हैं। क्या करना चाहिए आज के दिन? आज के दिन माता सरस्वती का स्मरण करते हुए ओम सरस्वत्यै नमः इस महामंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखिए, माता सरस्वती आपकी जिह्वा पे बैठ के आपके कार्यों में सफलताएं दिलाएंगी तो मन खुश होगा। आज के दिन का शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला। मकर राशि। आज के दिन आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल रह सकता है। किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष से संतुष्टि बनी रहेगी। अपने मधुर वाणी से सबके मन को मोह सकते हैं, परंतु अति उत्साह से बचने की आवश्यकता है। क्या करें? भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए लक्ष्मी नारायण अभ्यव नमः इस महामंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 6, शुभ रंग काला। कुंभ राशि। आज का दिन खर्च तथा उदासी को दर्शा रहा है। हो सकता है प्रत्येक क्षेत्रों में आज के दिन आपको निराशाजनक परिणाम प्राप्त, परंतु अपने धैर्य को छोड़ना नहीं है। समस्याओं का निदान ढूंढने का प्रयास करें, अपने कार्य में लगे रहें, अपने लक्ष्य पे बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित रखें। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ओम गजलक्ष्मी नमः इस महामंत्र का 11 बार पाठ करें। निश्चित रूप से आपकी समस्त समस्याएं दूर होकर के आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के दिन का शुभ अंक 7, शुभ रंग काला। मीन राशि। आज का दिन किसी भी कार्य में निवेश करने के लिए विशेष शुभ साबित हो सकता है। अपनी मधुर वाणी से लोगों को अपनी ओर आप आज के दिन आकर्षित कर सकते हैं। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों में सफलताएं प्राप्त होंगी। आज के दिन क्या करना चाहिए? आज के दिन भगवान कुबेर का स्मरण करते हुए कुबेराय नमः इस महामंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला। आज का यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मैं आपके लिए फिर लेकर के आऊंगा गुड लक राशिफल। लेकिन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, बिजनेस की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।